कोरोना वायरस कारण लगे कर्फ्यू विच जम्मू कश्मीर दे लोक बरनाले विच फसे हुए हैं, जो सरकारां अते प्रशासन तो अपने घरां नूं वापस जाने लई तरले कढ रहे हैं। यह कश्मीरी लोग बरनाला विच पिछले 30 सालों तो गर्म कपड़े वेचण दा काम करदे हन। कोरोना वायरस करके करफ्यू लगन कारण यह लोग बरनाला विच ही फस गए हैं। इन्हां लोकां कोल भावें खाण लई राशन पानी तो है, पर इन्हां दी मंग अपने घर वापस जाने की है। इस मामले उत्ते ज़्यादा जानकारी देंदे हुए जम्मू कश्मीर निवासी अंजुमन डार अते गुलाम मोहम्मद ने दसिया कि पिछले 30-35 सालों तो वह सर्दियों विच शॉल कंबल आदि बेचण लई बरनाले आ रहे हैं अते गर्मियां शुरू होंदे ही वापस चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती नाल इस बार वह कोरोना वायरस के कारण लगे करफ्यू करके वापस अपने घर नहीं जा सके। 22 मार्च या 25 मार्च को हमने घर जाना था जी, तो फिर उसके बाद हम ने सोचा जी कल जाएंगे परसों जाएंगे, जब तक लॉकडाउन जब तक हो गया जी। उसके बाद कोई हमारे कोई सहारा नहीं मिला जी, कोई बिल्कुल कोई बस नहीं, कोई वास्ता नहीं, हम तो बिल्कुल यहीं पे फंसे हुए जी। अब तो यहाँ पर बिल्कुल बैठे हैं जी घर में, बेला कोई काम नहीं, कोई वास्ता नहीं, अंदर बैठे जी बेला। यहाँ पर इसीलिए आए थे, हमारी रिक्वेस्ट है जी पंजाब गवर्नमेंट को भी, कश्मीर गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, अगर हमारे को घर पहुंच जाओगे तो बहुत अच्छी बात है जी। कमरे के अंदर ही रह के करीब 1 महीने तो दिन कट्टी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहला सोचा सी कि 14 अप्रैल को करफ्यू खुलन तो बाद वह अपने घर जा सकेंगे, लेकिन करफ्यू की म्याद 3 मई तक वध जाण करके वह इत्थे ही फस गए चुके हैं। उन्होंने कहा कि पवित्र रमजान का महीना होने करके वह जल्दी तो जल्दी अपने घर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने तो बिना काम के वेले बैठिया होण करके उन्हां दी जेब हुण बिल्कुल खाली हो चुकी है, जिस दे कारण उह इत्थे ते उन्हां दे परिवार कश्मीर विच भुखे मर रहे हन। उन्होंने कहा कि वह इस संबंधी अपनी फरियाद लैके डिप्टी कमिश्नर बरनाला श्री तेज प्रताप फुलका जी नूं भी मिले सन, तां कि उन्हां दी कोई मदद की जा सके। सर, हम कश्मीर का रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का है। हम यहाँ 6 महीने से काम कर रहा था, शाल शुल का काम कर रहा था। हमें यहाँ हो गया 10-15 साल आ रहा था यहाँ मजदूरी करने के लिए, यहाँ जो शाल शुल बेचते हैं, फिर तो हम वापस जाते हैं जी सर 25 मार्च तक। फिर 25 मार्च के बाद जब लॉकडाउन हुआ है, फिर हम यहाँ फंस गए। हमारे पास बच्चे छोटे छोटे था वहाँ, और माँ बाप भी हैगा, और बच्चे भी हैगा, बीवियाँ भी हैगा, वो वहाँ तरसते। जो पैसा है वो तो हमने उनको कुछ माड़ा मोटा दे दिया सी, वहाँ कुछ पैसे माड़ा मोटा हमारे पास है कि हमने सोचा हम घर जाएंगे। जब लॉकडाउन हुआ हमने उसका पालन कर दिया। आज 1 महीना से 3 दिन या 4 दिन हो गए जी सर यहाँ, फिर तो हम यहाँ फंस गए। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमें घर पहुँचाए, क्यों वहाँ बच्चे भी हमें तरसते हैं, माँ बाप भी तरसते हैं, वहाँ बच्चे हैं, हम यहाँ हैं। वहाँ से नहीं सर, हमें किसी से नहीं सरकार, वहाँ तो गवर्नर चल रहा था, वहाँ से गवर्नर को भी किसी ने नहीं पूछा कि क्या पता है वहाँ क्या, हमने तो किसी से नहीं पूछा था। कल DC साहब के पास गया था तो उनने बोला, हमने उसको बोला कि इतला किया कि उसको रिक्वेस्ट कर दिया कि हमें घर पहुंचाओ। उसने बोला कि हमें पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। हमने उसको बोला आपकी मेहरबानी, अगर हमारे लिए आप कुछ कर रहे हैं तो हमें घर पहुंचाया जाए। हम जब आते हैं अपनी मेहनत के लिए यहाँ कुछ कमाने के लिए, हमने सोचा गरीब आ रहा है, गरीब तबके हैगा वहाँ लोग हैगा, यहाँ भी हमारे पास किराया नहीं था, उन कमरे का भी किराया भी देना हैगा, गर्मी का मौसम हम यहाँ नहीं रह सकते। जब उनके लिए है क्योंकि यहाँ UP सरकार ने भी कुछ गाड़ियाँ भेजा है, अपने अपने मजदूर लोग हैं चाहे अमीर लोग हैं अपने घरों में भेज लेकर आए हैं जी सर। हमें यही इतला हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें किसी तरीके से अपने घरों में लेके जाए, वो बहुत बड़ी मेहरबानी है उन। हम लास्ट में यही चाह रहे हैं, रमज़ान भी आने वाला है, हम यही चाह रहे हैं कि हम अपने कश्मीर पहुँच जाएँ सर। हाँ जी, वो मैंने कल आके मिले थे, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी देती है कि इसमें उन्होंने वापस कश्मीर जाना है। उन्होंने जो एप्लीकेशन है असी सरकार को भेज दी है, तो ये सिर्फ बरनाले विच ही नहीं है, कई जिलों में पंजाब विच बैठे हैं। सो जो भी सरकार इन्हों का फैसला करेगी उस वो असी लागू कर देंगे। तो इस तो बाद हाले साढ़े जिले वालों असी कोई हाले कार्रवाई नहीं कर रहे। उस संबंधी उन्होंने मैंने कोई दसा नहीं कि जी उधर कोई पुलिस का भी मुलाजम इतने है, जो होया तो कोई स्पेशल देख लेंगे कि बन गया। हुण देखना यह होगा कि इन्हां कश्मीरी मजदूरों सरकार कदों तक इन्हां दे घर पहुँचदा करती है। भारत संदेश लई बरनाला तो जीवन रोमी की रिपोर्ट।